नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज मणिपुर मुद्दे को गरमाते गरमाते अचानक विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया। लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब था कि मोदी सरकार को एक बार फिर से लोकसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करना होगा, बहुमत सिद्ध करना होगा। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, जो विपक्ष जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, इस अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही कर दी थी। 2018 में लोकसभा के अंदर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर चुटकियां ली, जिस तरीके से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, वहीं उन्होंने उसी वक्त ये कह दिया था कि आप इतनी तैयारी कीजिए, विपक्ष इतना कमजोर है कि बार बार उसे मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। आप अब इसके बाद इतनी तैयारी कीजिएगा कि 2023 के अंदर एक बार फिर से आपको मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े और मजबूती से लाइएगा। देखिए जरा नरेंद्र मोदी ने उस दिन लोकसभा में क्या कहा था। किसके लिए, कब कब, कहां कहां, इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। दृश्य अभी भी याद है जब नोटे ऐसे ऐसे जेब में रखी जाती थी। कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे, हर बार डिसेंट कैसे पूछा जाता है और चीछियां पकड़ाई जाती है, छुप छुप के चीछियां पकड़ाई जाती है। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक आशा और विश्वास की बात करते हैं, और ये भी सही है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति या समाज न खुद के लिए कुछ करता है, न उस पीढ़ी के लिए कुछ कर पाता है। कर वो ही सकते हैं जो आशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं। रोना रोते वालों को 5-10 लोग अगल बगल के आश्वासन देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन परिवर्तन का संकल्प करने वाले लोग उनके पास फटकते नहीं है कभी। और जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात को उद्घोष करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हो गया, हम जब इतिहास की बात करते हैं तो 2 पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, था तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ। लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है, और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमें इतना विचलित क्यों होना चाहिए, विपक्ष में है, विरोध करना जरूरी है, विरोध करना चाहिए, मोदी की आलोचना करनी चाहिए, हमारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम
मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं, इससे देश हम में से किसी को भी गलती से भी देश की बुराई हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के देश की क्या इज्जत बढ़ा रहे हो, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और आप मुझे पूछ रहे हो, यानी आज मुझे पूछ रहे हो कि क्या कौन कुछ नहीं कहा। अच्छा है, मैं अपनी मर्यादा में रहूं वही ज्यादा अच्छा है। हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है। आप इतना झूठ छूटे सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहां एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे, कौन सी सेंसिटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान। और इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी चार उंगली आपके तरफ होती है। और इसलिए आमतौर पर मेरी, खड़गे जी एक डिसेंट व्यक्ति है उसमें कोई नहीं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, किस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मुजाज था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई, लेकिन उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती तो हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं जाती। अगर वो होता तो आपकी नजर जाती, और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है
ये कविता में आपको दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं। कांग्रेस वालों का धोखा है। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा। अगर वो गली बचा होता तो उसकी आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा, इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है। जी जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, और बोले मैं सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है, वो भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाया, लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कुछ काम आउटसोर्स कर दिए हैं। वैसे अभी 2 दिन पहले मदद की थे तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा कोई मामा, जब पारदर्शिता से ईमानदारी से देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं, सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है। और अब परेशानी है, चेहरे उतरे हुए हैं, और कारण यही है क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन राजदार। अब आपकी चिंता है कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है, और चीठियां पकड़ाई जाती है, छुपके चीठियां पकड़ाई जाती है। बेनामी संपत्ति कानून तो कितने साल पहले बना पड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट में बहस कर ली, दुनिया को मैसेज दे दिया, वोट बटोर लिए, लेकिन उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया, इसी प्रकार के रखा गया। हमने आकर के कानून किया और बेनामी संपत्ति आज जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है कहां। कैसे, कौन, किसके लिए, कब, कहां। और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद
मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। डेढ़ पौने दो घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखा। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और मेरी अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। आपने देखा होगा कि वीडियो में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जॉली मूड में विपक्ष पर हमला करते नजर आए। उन्होंने इशारों इशारों में जहां खड़गे को घेरा, वहीं सोनिया गांधी को भी घेरने से बाज नहीं आए। उन्होंने यह भी कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्होंने 1947 से लेके अब तक के सारे मामलों को गिनवा दिया और उन्होंने बार बार कहा कि विपक्ष को इसलिए बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि विपक्ष अपने घटियापने के भ्रष्टाचार को नहीं कर पा रहा है। ये जो भ्रष्टाचार जिस वजह से विपक्ष अब सत्ता से दूर है, उनको सत्ता की जो ये लालसा है, यही उन्हें बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर करती है। ये बात नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किस अंदाज में कही, बहुत ही चुटीले अंदाज में उन्होंने कई बार बहुत ही गंभीर कटाक्ष विपक्ष के ऊपर किए और विपक्ष के लोग आराम से बैठकर सुनते भी रहे और हंसते भी रहे। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से किसी सरकार के खिलाफ, बहुमत वाली सत्तासीन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव दरअसल कहीं भी किसी भी सदन के 50 सांसद अगर अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दें, हस्ताक्षर कर दें, तो सदन के अंदर उस सरकार को दोबारा से बहुमत साबित करना पड़ता है। लेकिन हम आपको साथ ही ये भी बता देते हैं कि बहुमत साबित, जिस तरीके से दोनों सदनों में बहुमत साबित करना होता है, उसमें अगर आज की स्थिति हम लोकसभा के अंदर देखें तो भाजपा के पास, अकेले भाजपा के पास 300 से ऊपर सीटें हैं, 301 सीटें हैं लगभग। और उनके जो भाजपा के जो बीजेपी के अलायंस हैं उनको मिला के, यानी कि एनडीए की करीब मिलाकर जो है करीब 350 सीटें बनती हैं, 350, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 50-55 सीटें हैं, यानी कि 50-55 के आसपास सरकार के पास अभी बहुमत मजबूत वो है, 50-55 के आसपास, यानी सरकार अभी भी मजबूत है। यानी कांग्रेस और जो दल सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उनके पास अविश्वास जैसा कुछ है ही नहीं। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि आज लोकसभा में कह भी रहे थे, अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए उनके पास अविश्वास प्रस्ताव एक आखिरी हथियार था जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वो विपक्ष जबरन प्रधानमंत्री को बोलने के लिए सदन के अंदर बुलाना चाहता है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस पर चर्चा होगी। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। मेरी वीडियो अगर आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।